गांव शाहपुर कला में है और यहां पर गांव की विडंबना देखो कि एक के बाद एक चार नवयुवक गायब हो गए हैं जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सबसे पहले एक लड़का करीब 6 साल पहले लापता हुआ था, उसके बाद एक लड़का जो ड्राइवरी करता था, ड्राइविंग के बाद कंपनी से घर के लिए निकला लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। उसके बाद एक लड़का सुबह अपनी कंपनी पे जाता है लेकिन उसका शव एक पेड़ से लटका हुआ मिलता है। और अब ये चौथा केस है जो शाम के वक्त नाइट ड्यूटी में अपने घर से निकला था लेकिन ना वो ड्यूटी पर पहुंचा और ना वो वापस घर लौटा। तो आखिर कहां गया वो बच्चा? आइए बात करते हैं उनके पिताजी से, जानते हैं क्या है सारा मसला। हेलो, हाँ, क्या हुआ था? लड़का शाम के बारे में बताइए। लड़का शाम को ड्यूटी गया, 30 तारीख को शाम 7 बजे घर से निकला है, ना कंपनी पहुंचा है ना वापस घर आया है। उसका किसी से कभी कोई झगड़ा या घर में किसी ने कोई डांटा हो उसकी? घर में कोई झगड़ा हुआ ना कोई कंपनी में, हमें इस बारे में पता नहीं है क्या हुआ है उसके साथ। उसका किसी से झगड़ा यार दोस्तों में? हमारी नज़र में कोई यहाँ पर कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, रास्ते में क्या हुआ ये हमें मालूम नहीं है। तो अभी करीब 25 दिन हो गए उसको? हाँ जी, 25 दिन। तो अभी आपको कितनी उम्मीद है कि वो वापस आएगा या उसका आप क्या समझते हैं? हमारी उम्मीद तो खत्म होती जा रही, क्यों बच्चा आया नहीं, 25 दिन हो गए आज तक पता नहीं है क्या पुलिस कर रही है क्या नहीं कर रही है। हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, उसी दिन से घूम रहे हैं। आपने कंपनी में पता किया? जिस कंपनी में आप? में पता किया कंपनी में, यही में लायक वो पहुंचा नहीं है ड्यूटी पर। अच्छा, आप आकाश की दादी हैं? तो आकाश के बारे में आप बताइए, कब खोया, कैसे गया घर से? 7 बजे क्या हुआ वहाँ पे? तो भगवान ने बताओ जहाँ पे हमारा जहाँ तक आया आगे की हम कहा मालूम कहाँ है कहाँ ना है। यहाँ घर में किसी से कोई नहीं डांट डपटा कुछ ऐसा? कुछ नहीं, राज खुशी गया खूब बढ़िया, रोटी खा के खूब बढ़िया गया यहाँ पे। चलो आकाश, आकाश के बारे में आप बताइए। उसके और गांव में किसी से पता किया? उसके यार दोस्तों में किसी के पास कोई खबर? तो रोजाना जब वो जाता था कोई उसके मतलब कुछ चेंज आपको लगा उसमें उस दिन के? तो अब आपको मतलब पुलिस में जो रिपोर्ट की है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, कुछ और तरीके से आप कुछ कोशिश करा रहे हैं कहीं से? कंपनी में जो कुछ लोग कंपनी में भी होते हैं, कंपनी में पता किया किसी से कुछ उनको पता हो? तारीख तक गायब है, ड्यूटी जाए 7:30 7:15 बजे, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सीधा साधा वो कोई कोई मतलब ही नहीं रखता कह चीज पे, ना कोई घर में कोई दिक्कत ना कोई ऐसा कुछ नहीं, ना कहे तो लड़ाई बड़ाई कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं पता जिनके साथ में काम करता था उसमें किसी ने कुछ नहीं बताया उसके बारे में? नहीं, कैसा था उसका, किसी से झगड़ा हुआ? नहीं जी, ना तो किसी के झगड़े के बारे में पता पड़ा जी, और कंपनी में भी यही पता पड़ा कि किसी से कोई ऐसी मतलब किसी से मतलब नहीं था, जैसे यहाँ पे सेम नेचर कंपनी में भी था। तारीख को सुबह जब घर नहीं, जब बच्चा 8 बजे के जस घर पहुंच जाता था सुबह 5-6 बजे, सोचा कि ओवर टाइम के लिए रुक गया होगा, पर 8 बजे तक नहीं पहुंचा ना, उसके बाद में फिर बच्चा घर नहीं आया, जब हमें खाना में जब भागदौड़ की अब हम उस जगह पर हैं जहां पर आकाश गायब हुआ था। इसी जगह से वो गायब हुआ 30 दिसंबर को, उसके बाद करीब 25 दिन बीत चुके हैं, उसका कोई सुराग पुलिस अभी तक नहीं लगा पाई है। हम उनके घर वालों से बात करते हैं और जानते हैं इस घटना के बारे में पूरी जानकारी। 30 तारीख की को शाम को 7:05 में निकला था घर से, तो 7:17 तक IMTV मोड़ तक दिखाई दिया है CCTV फुटेज में। उसके बाद आने के बाद यहाँ सोते से ये रास्ता आ रहा है गोल चक्कर के लिए, तो यहाँ आने के बाद
ना तो उसका खाली बैग मिला उसका यहाँ आने के बाद, तो उसका कोई आता पता नहीं है अभी तक। कुछ आपने कंपनी में पता किया? कंपनी में हमने पुलिस वालों के साथ मैं गया था, वर्करों से भी बातचीत की और कैमरा भी चेक करा, चारों ओर देख लिया एरिया में, कहीं भी कोई पता नहीं चला उसका। एक लड़का उम्र 20 साल आकाश नाम है, जिसके गुम होने की सूचना हमें प्राप्त हुई, उस पर FIR लॉज करके हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और गुमशुदा व्यक्ति को तलाश करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। स्थिति में जहां वो कंपनी में काम करता था वहां भी, जहां जहां CCTV फुटेज की आशंका थी वहां वहां भी सारी जगह ट्रेस किया गया, लेकिन कहीं भी अभी तक उसका पता नहीं चला है। उनका एक बैग मिला था जो नाला जाता है, उसमें लगभग 1 फीट के आसपास पानी है, वहाँ बैग मिला था। उस बैग के बिहाव पे वहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं साइबर सेल की मदद लेके कोई फ़ोन का डंप उठवा के या किसी तरह कोई लोकेशन मिल सके, तो ये प्रयास अभी जारी है। सर आपको उम्मीद है कि कब तक इसमें और कार्रवाई करके मिलने की? जांच अधिकारी एक टीम बना के हम सब लगे हुए हैं और हम जल्दी से जल्दी उनको ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। तकरीबन 25 दिनों से गायब आकाश अपने माँ के जिगर का टुकड़ा अभी तक घर पे नहीं लौटा है, क्योंकि घर वाले की आंखें राह देखती हैं कि कब उनका लाडला वापस आएगा, लेकिन अभी नहीं कहा जा सकता कि कितना वक्त लगेगा उसको वापस आने में। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी अपने घर वापस आए। अगर वो हमारी कहीं पे न्यूज़ देख रहा है तो वो ये देख के जल्दी से जल्दी अपने घर वापस आए और घर वालों से संपर्क करें। थैंक यू।